खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान के बाद अब गुजरात के अस्पतालों से भी बच्चों की मौत की खबर है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में दिसंबर में 85 बच्चों की मौत हुई है, तो वहीं राजकोट के सिविल अस्पताल में एक साल के भीतर 1235 बच्चों की मौत की खबर है। यह हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के बीच का ये डेटा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, यानी एक साल के अंदर इतने लोगों की मौत। राजकोट में साल भर में 1235 बच्चों की मौत हो जाती है, तो ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अस्पतालों से। जहां पर अगर सिविल अस्पताल की बात करें अहमदाबाद के, तो दिसंबर में 85 बच्चों की मौत हुई, तो राजकोट के सिविल अस्पताल में एक साल के अंदर 1235 बच्चों की मौत हो गई है। और इसी पर जब आज राज्य के सीएम विजय रूपाणी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से निकल ली। तो सीएम के पास कोई जवाब नहीं है, सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछा गया लेकिन वो वहां से चले गए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़ा एक साल के भीतर, केवल और केवल बात करें यहां पर राजकोट के सिविल अस्पताल की, तो 1235 बच्चों की मौत यहां पर हुई। और अहमदाबाद की बात करें, जो ताजा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, केवल दिसंबर के महीने में 85 बच्चों की जान चली गई। तो अभी तक राजस्थान के अस्पतालों की चर्चा हो रही थी, जिस तरह से मौत का आंकड़ा बच्चों का बढ़ रहा था, तो अब ऐसी ही खबर गुजरात के अस्पतालों से भी आ रही है। यहां भी आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है कि अकेले अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में केवल दिसंबर के महीने में 85 बच्चों की मौत हुई, तो राजकोट का सिविल हॉस्पिटल साल भर के अंदर 1235 बच्चों की मौत यहां पर हुई। और अब आपको सुनवाते हैं राजकोट सिविल हॉस्पिटल के डीन मनीष मेहता का क्या कहना है। एसएनसीयू की बात करें तो 111 डेथ हुई और 3 महीने में अगर देखा जाए तो कितनी डेथ हुई है। 3 महीने में देखिए तो अक्टूबर महीने में 87 डेथ हुई थी और नवंबर महीने में 71 हुई और दिसंबर में 111। तो अधिकारी आंकड़े तो बता रहे हैं, खुलकर पूरा डेटा सामने रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी मौतों की आखिर वजह क्या है। रौनक पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, पहले डेटा आता है राजकोट से और उसके बाद अब अहमदाबाद से भी 85 बच्चों के मरने की खबर है केवल दिसंबर के महीने में, आखिर कारण क्या है इतनी मौतों का? देखिए, जो गुजरात की सबसे बड़ी अस्पताल है वो अहमदाबाद अस्पताल है और सौराष्ट्र की सबसे बड़ी अस्पताल जो है वो राजकोट की सिविल अस्पताल है। सौराष्ट्र के 7 जितने डिस्ट्रिक्ट है वहां से डिलीवरी के केस आते हैं, बच्चे बीमार होते तो वहाँ एडमिट होते हैं। इसी प्रकार से गुजरात, न सिर्फ गुजरात भर के लेकिन आस पड़ोस के स्टेट से भी अहमदाबाद सिविल में आते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कहीं ना कहीं इलाज की कमी है, कहीं ना कहीं इक्विपमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है। लेकिन अधिकारी जो आंकड़े दिए आपने, मनीष मेहता की जो बारीक सुनी, तो मनीष मेहता 3 महीने के आंकड़े दे रहे, साल भर के आंकड़े नहीं दे रहे। और वजह भी यही है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट आज सुबह से आने लगे, जिस प्रकार से खबर चलने लगी, तब जाके आंकड़ा छुपाना कहीं ना कहीं मुश्किल था। यह वजह रही कि सुपरिटेंडेंट सामने आए कुछ समय के बाद, जो राज्य के नायब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल खुद स्वास्थ्य मंत्री है वो सामने आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गुजरात के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। विधानसभा फ्लोर पर जब जब चर्चा होती है तब अपोजिशन की ओर से ये सवाल भी उठाया जाता है, इक्विपमेंट की कमी है। कहने के लिए गुजरात आधुनिक स्टेट है, मॉडल स्टेट है, लेकिन उसमें कोई दौरा नहीं। जो प्राथमिक सुविधाएं, जो प्राइमरी सुविधा जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी है। इतना ही नहीं, एक प्रयास ये भी किया गया कि पीपीपी मॉडल पे, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पे भी, समझ लो कच्छ की जो अस्पताल है तो उसको प्राइवेट संस्था को दे दिया गया चलाने के लिए, लेकिन वहां पर भी इसी प्रकार की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा यह गया कि प्राइवेट अस्पताल गुजरात में जो है वो काफी आधुनिक होती गई, वहां बड़े डॉक्टर्स चले गए, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहां न तो कोई डॉक्टर सेवा देने के लिए तैयार है और न तो इक्विपमेंट अच्छे आते हैं। यही वजह है कि मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार चाहे छुपाना चाहे या न चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार उसके कारण ही होती है। और सरकार पर सवाल उठते हैं कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो पीडियाट्रिक वार्ड जो है उसको हाईली इक्विप्ट नहीं कर पाते। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि सरकारों के पास कोई जवाब नहीं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने अनिल जैन, बीजेपी महासचिव, उनसे बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं क्या कहना है उनका।
तो आपको ये पूरी बातचीत सुनवाएंगे। लेकिन देखिए कितना बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, क्या हाल है अहमदाबाद जहां पर केसेस रेफर होकर आते हैं आसपास के स्टेट्स के भी, और सौराष्ट्र की बात करें तो इस रीजन में राजकोट का सिविल हॉस्पिटल बहुत अहम है क्योंकि कोई भी केस यदि सीरियस कंडीशन में है तो रेफर होकर यहीं पर आता है। डॉक्टर्स की सरकारी अस्पतालों में कमी है, हमारे संवाददाता रौनक पटेल हमें जानकारी दे रहे थे, इक्विपमेंट्स की यहां पर कमी है और दिन ब दिन डिग्रेडेशन होता जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपग्रेड होते चले गए, कुछ अच्छे डॉक्टर्स वहां मूव कर गए, लेकिन बड़ी बात यह कि चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि बुनियादी सुविधाएं हैं वो पिछड़ती चली गई, उसकी तरफ क्या सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और अब आपको सुनवाते हैं जीएच राठौड़, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट हैं, क्या कह रहे हैं वो। हमारा जो एडमिशन रेट है नवजात आईसीयू में वो 450 से लेके 500 तक है। उसमें से पहले हमारा जो डेथ रेट था नियोनेटल और नवजात बच्चा का वो 20% से भी ज़्यादा था। अभी हमारे नवजात आईसीयू और अन्य प्रयत्नों की वजह से हमारा जो डेथ रेट है वो कम होकर 18% तक आ गया है। तो गत महीने में, दिसंबर के महीने में, हमारे नियोनेटल आईसीयू में 80-85 नियोनेटल डेथ हुए हैं। तो अधिकारी इसी में कामयाबी मान रहे हैं कि डेथ रेट कम हो गया है, लेकिन ये रुका क्यों नहीं है और एक महीने के अंदर 85 मौतें बच्चों की होती हैं, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं।